और पूज्य महाराज जी पधारे हैं। शायद आप सब जानते हो परिचय के, तो महाराज जी मोहताज है नहीं, जय जय, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। निम्बार्क पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के लिए आप और हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय लेकर इस लवान की पवित्र धारा को पवित्र करने आए हैं। आप मुझे 3-4 दिन से सुन रहे हैं, आप मुझे पूरे साल भर संस्कार और सत्संग पर प्रतिदिन आप मुझे सुनते हो, लगभग पर डे आप मुझे संस्कार टी पर सुनते हो, सत्संग चल पर रोज सुनते हो। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, महाराज जी पधारे हैं, तो मेरी इच्छा है कि आज महाराज जी को सुनूं। ज्यादा मैं बीच में कोई विलंब नहीं दूंगा, कोई बात नहीं करूंगा, और आप सब महाराज जी को श्रवण करें, महाराज जी का आशीर्वाद लेवें आप, क्योंकि ये अवसर है, ये जिंदगी में बहुत किस्मत से नसीब होता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले निम्बार्क पीठ की जय हो, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। महाराज जी अपना सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण पाद युगलम सिरसा नमामि, यत्रान्वित श्रुति गणो न विरोधमेति, यध्यान योग निरता शदाप्नवन्ति, केशेन्द्र वंद्य मनिषम मनसा गिरा च। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्वरूप श्री मनुश्री जी, समस्त भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं एवं इस दिव्य आयोजन के निमित्त समस्त तिवारी परिवार, जगदीश प्रसाद जी, माधव प्रसाद जी, जैसा कि आप सभी ने विगत दिनों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्रवण किया ही होगा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये आप सभी का पुण्य उदय हुआ, आपके इस ग्राम में श्रीमद् भागवत जी पधारी और ऐसे मनीषी के मुखारविंद से आपको यह कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आज कथा का कौन सा दिवस? तृतीय दिवस। आज तृतीय दिवस है, तो संभव है ध्रुव जी का चरित्र चल रहा होगा अभी इस समय, जिनसे आप हम सभी को यही सदैव शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान के चरणारविंदों में किस प्रकार हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सर्वांगीण समर्पण होना चाहिए, और यदि जब ये हो जाता है जीवन में तो किस प्रकार भगवान 6 वर्ष के बालक को भी दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है, ये दृढ़ निश्चला भक्ति का प्रभाव है कि भगवान अपने आश्रित जनों पर अवश्य कृपा करते हैं। और ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह सब ज्ञान शिक्षा, सामान्य जीवन जीने का विवेक तो आप हम सभी में, आप सभी में तो है ही, पशुओं में भी विवेक होता है, वो भी जानते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, परंतु वह परम विवेक, विवेको वर्धते महान, जिसकी जिज्ञासा हमारे ऋषि मुनि अम्लात्मा महात्मा योगेंद्र निरंतर तपस साधना करके भी जिसको प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हों, वह परम विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह परम विवेक श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। जो कोई भी अपने जीवन में यदा कदा कैसे भी संभव हो संपूर्ण कथा रसपान कर ले, एक दिवस की कथा पान कर ले, अथवा एक श्लोक मात्र भी श्रीमद् भागवत का जिसके कर्णारंध्र में पड़ जाए, तो उसका जीवन सार्थक हो ही जाता है, हो ही जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा
तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने स्वयं के कल्याण के लिए ही नहीं अभी तो इस संपूर्ण ग्राम के लिए, इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए यह परम उपादेय कर्म किया है, जिसके द्वारा श्रवण करके संपूर्ण जनमानस अपना कल्याण करेगा और भगवान की कृपा उन पर अवश्य होगी। ऐसी मंगलमय कामना करते हुए तिवारी परिवार के लिए, जिन्होंने यह दिव्य आयोजन किया, भगवान के युगल चरणारविंदों में यही अभ्यर्थना कि इस परिवार पर भगवत भक्ति की कृपा वृष्टि होती रहे और आप सभी जितने श्रोता यहाँ पर विद्यमान हैं आप सभी का भी कल्याण हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपने भावों को यहीं विराम देता हूँ।